गुड मॉर्निंग। आज गांधी जयंती है ना, बहुत सारी शुभकामनाएं। गांधी जयंती जो है हमारा राष्ट्रीय त्योहार है, पता है कि नेशनल नेशनल फेस्टिवल है ना। गांधी जी के अलावा एक और महापुरुष ने आज के दिन जन्म लिया था, कौन बता उसका नाम? गांधी जयंती के साथ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जयंती के अलावा एक और जयंती है, कौन सी जयंती है वो? लाल बहादुर शास्त्री जयंती। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। आपको पता है लोगों ने कौन सा नारा दिया था? जय जवान जय किसान का नारा आपने सुना है? अभी नहीं सुना होगा, सुनेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही यह नारा दिया था। चलिए ठीक है, आज आपकी मैथ की क्लास है तो मैथ तक पढ़ाना शुरू करते हैं। बाकी आपकी हिंदी की टीचर डिटेल में आज जाएंगी बताएंगी। ठीक है, सो कमिंग ऑन द टॉपिक इन आवर मैथ सेशन, नाउ डेज वी आर करिंग चाहे वो रीग्रुपिंग कॉन्सेप्ट हो या विदाउट रीग्रुपिंग कॉन्सेप्ट। और ऐड करना ही नहीं, क्लासों में सीख रहे हैं कि हाउ टू स्पीक ड्यूरिंग एडिंग नंबर। नंबर ऐड करते समय हमने कैसे बोलना है, वी आर लर्निंग दिस थिंग ना। तो बोल बोल के ऐड करना आ गया। हाउ मेनी हैव लर्न दैट की हाउ टू स्पीक, कितने लोगों को बोल कर बोलना आ गया है कि एडिशन के समय किस तरीके से आपको एडिशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय कैसे बोलना है, कितने लोग जान गए हैं? हैंड रेज करिए, मैं उनसे पूछूंगा भी। ठीक है, अहम जानते हैं, महिमा भी जानती हैं, आदर्श प्रताप सिंह, स्वर्णिमा, अमर, अभिनव भी जानते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं पूछता हूँ, बारी बारी से पूछता हूँ सभी से। सबसे पहले आदर्श प्रताप सिंह, बाकी बच्चे अपना माइक बंद करें, वन बाय वन आई विल आस्क और इसी तरीके से आपको सिखाएंगे। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, जो भी जिसको बोला जाएगा वो अपना माइक ऑन करेंगे। ओके बेटा, आदर्श प्रताप सिंह यू हैव टू ऐड दिस नंबर, ऐड आदर्श प्रताप सिंह। ठीक है अमर, आप भी अमर माइक ऑन करिए बेटा, आदर्श की आवाज बहुत ज्यादा प्रॉपर नहीं आई फिलहाल। अमर, थ्री प्लस टू इज इक्वल टू फाइव, फाइव प्लस फाइव इज इक्वल टू टेन। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। महिमा बेटा आप इसको महिमा, सर माइक ऑन करके जल्दी से बेटा, जिसका नाम है तुरंत माइक ऑन कर। सर थ्री प्लस थ्री इक्वल टू, सर थ्री प्लस थ्री इक्वल टू सिक्स, सिक्स प्लस फोर इक्वल टू टेन। वेरी गुड सर, टेन। दिव्यांशु, यस सर, इसको ऐड करिए, टू प्लस थ्री इक्वल टू फाइव, फाइव प्लस फाइव इक्वल टू टेन। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आराध्या यादव, माइक ऑन करके आप इसको जरा ऐड करिए। सर टू प्लस थ्री इक्वल टू फाइव, फाइव प्लस टू इक्वल टू सेवन। वेरी गुड। आरोही, आरोही माइक ऑन करके बेटा, माइक ऑन करके। फाइव प्लस इक्वल्स टू टेन, फाइव प्लस
इक्वल्स टू 15। रॉन्ग रॉन्ग है, कौन इसको सही से पढ़ेगा? चले आदर्श गुप्ता एक बार आप ट्राई करिए। आरोही बेटा ध्यान से सुनिए, आरोही ध्यान से सुनिए, अभी आपसे फिर से पूछेंगे। आदर्श आप वेट करिए बेटा, आदर्श प्रताप सिंह, मैंने शुरू आपसे किया था। आदर्श गुप्ता सर हम बताए, आदर्श बताइए सर, आदर्श गुप्ता, यस सर, 5 + 5 = 10, सर 10 + 5 = 15। समझ में आया आरोही, आपको ऐसे ही बोलना है, 5 + 5 = 10, ये 5 आपको 10 में ऐड करना है, ना कि 5 में। 5 + 5 = 10, 10 + 5 = 15। देवांश शर्मा, देवांश, देवांश शर्मा, सार्थक, सार्थक जल्दी से माइक ऑन करके बेटा, माइक ऑन करके सारे बच्चे जो भी बोले जिसका भी नाम बोलो तुरंत माइक ऑन करके तुरंत इसको जोड़ना, जोड़े 4 + 2 = 6, 6 + 4 = 10। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। सौम्या शर्मा, सौम्या शर्मा, रौनक पासवान ध्यान से सुनिए, आपकी बार आपसे पूछेंगे सौम्या के बाद। सौम्या जल्दी चैट करिए बेटा, फोर प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स। पहले पहले 4 है या 2 है? आप पहले मोबाइल फोन हॉरिजॉन्टल व्यू में करिए फिर आप बताइएगा। सर बोलो प्रॉपर, रौनक पासवान आप ऐड करिए। सौम्या आप बताइए, 4 + 2 = 6। सौम्या शर्मा आप गलत बोल रही हैं, मैं कई बार बोल चुका हूँ, ध्यान से सुनिए, पहले 2 है तो पहले 2 बोलिए, 4 + 2 नहीं, उल्टा नहीं खेलना है, नीचे आना है। रौनक पासवान माइक ऑन करिए, 2 + 4 = 6, 6 + 2 = 8। वेरी गुड, आई एम बेटा आप जल्दी चैट करिए। सर 3 + 3 = 6, 3 + 3 = 6, 3 + 3 = 6 हुआ तो 6 में 4 ऐड करेंगे या 3 में 4 ऐड करेंगे? सर 6 में सर 4 ऐड करेंगे। फिर से ऐड करिए सर, हम ऐड करें, वेट करिए आप, मैं बारी बारी से नाम ले रहा हूँ, बीच बीच में अटकिए मत, अपना माइक पर ही लगा, मैं ना बोलूँ तुम्हारा नाम खत्म, माइक मत ऑन करना। अहम ऐड करिए, साहबान रॉन्ग है, गलत है। आरोही पाल जरा इसको ऐड करिए, आरोही पाल, आरोही पाल, अभी आपने सुना कैसे ऐड करना है, इसको ऐड करिए तुरंत, अभी आपने ध्यान से सुना है कैसे ऐड करना है, उसी तरह प्लस 3 इक्वल्स टू 6 4 प्लस 3 प्लस 3 6 4 = 10। अभी भी आरोही पाल नहीं पा रही है, आरोही पाल इसको ऐसे आदर्श गुप्ता का माइक बंद करिए, जो बीच में मैं बताऊं मैं बोलने लगता हूं उनको मैं क्लास से सर हम बताए, मुझे ये पता है कि कौन कौन बोल ले जाता है, मैं उससे नहीं पूछूंगा, जिन बच्चों को नहीं आता है उनको भी आने दो बेटा, उनसे भी पूछा जाए, उनको भी बोलना आ जाए, आप लोग को तो आता ही है, थोड़ी देर वेट कर लीजिए 10 मिनट। आप लोगों से बारी बारी से कई बार पूछा गया है, इस वजह से आप बताले जा रहे हैं, बाकी जो बच्चे उस दिन छूट जा रहे हैं हर दिन, उन बच्चों पे आज फोकस करने दीजिए, आपसे भी पूछा जाएगा, आप लोग ध्यान से सुने, और आपसे पूछा गया आदर्श गुप्ता, आदर्श गुप्ता आपसे कब से पूछा जा चुका है, बाकी जो बच्चे बचे हैं
सबसे पहले मैं उनसे पूछूंगा फिर आपके पास आऊंगा। तब तक कोई भी बीच में नहीं होगा जो की करेगा। बाकी बच्चे माइक बंद करें, जिसका नाम बोलो वो माइक ऑन करें। आरोही पाल, 3 + 3 = 6 आएगा ना, तो 6 में 4 ऐड करना है। 3 + 3 = 6 6 + 4 6 + 4। यही आप गलती कर रही हो, आप 3 + 4 बोल देती हो। आप बोलो 6 + 4 6 + 4 = 10 ऐसे ऐड करना है। आरोही, 3 + 3 = 6 6 + 3 = 6 6 + 4 = 10 वेरी गुड, ठीक है। आदर्श यादव अर्जानीपुर, आदर्श यादव अर्जानीपुर, आप इसको ऐड करिए। बेटा आप लोगों के लिए दूसरे तरह के क्वेश्चन रहते हैं, आप लोग बिल्कुल परेशान होने लगते हैं। मैं बताऊं आपके, आप लोग उसको नॉर्मली कर ले जा रहे हैं। आदर्श यादव अर्जानीपुर, अब आप बताइए। फिर से आदर्श यादव अर्जानीपुर, फिर से एक बार आप ऐड करिए इसको बेटा। आदर्श एक्सक्यूज मी, ऐड करिए इसको। सर एक्सक्यूज मी, आदर्श गुप्ता क्या बोल रहे हो बेटा? सर 15 तारीख को स्कूल खुल जाएगा। बेटा जब स्कूल खुलेगा तब मैसेज किया जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट, ओके, बताया जाएगा, आप परेशान मत हुए। जब भी स्कूल खुलेगा आप सबको बताया जाएगा। चलिए ठीक है, आगे कनेक्टेड बेल। यस सर। आदर्श प्रताप सिंह आप ऐड करिए। सर हम ऐड करें? हाँ आदर्श यादव अर्जानीपुर ऐड करिए जल्दी से, इतनी देर से बोल रहा हूँ, नहीं ऐड कर। 3 + 3 = 6 6 + 4 = 10 10 के 0 1 will be carry to the next place, 1 + 2 = 3 3 + 3 = 6 6 + 4 = 10। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसी तरीके से मैं बारी बारी से किसी दूसरे को बोलूंगा ऐड करने के लिए। अभी अभी ये नॉर्मल फिर से एक क्वेश्चन आ गया है। नाउ हु विल ऐड नेक्स्ट? चलो सभी लोग ऐड कर चुके हैं, सभी ऐड कर चुके हैं, आपको उसी तरह के क्वेश्चन देते हैं। काम नहीं किए हैं। चलिए आप इसको ऐड करिए ना, आप इसको ऐड करिए देवेश। देवेश ऐड दिस नंबर। चलो देवेश की तरफ से आवाज नहीं आ रही है। अभिनव पांडे ऐड करिए बेटा, बाकी बच्चे माइक बंद करें। 3 + 3 = 6 6 + 4 = 10। हाँ हाँ आगे बोलिए, पूरा ऐड करिए। 10 10 के 10 क्या लिखें? ऐड करिए पूरा बताइए। सर 0। हाँ तो आगे बोलिए, उसके बाद क्या बोला जाता है, पूरा ऐड करके बताइए। 1 = 4 = 11 चलो वेरी गुड। आदर्श वर्मा, आदर्श वर्मा आप इधर ऐड करिए। आदर्श वर्मा माइक ऑन करके आप ऐड करिए इसी नंबर को फिर से। 3 + 3 = 6 6 + 4 = 10 10 के 0 1 will be carry to the next play। तो सब बोल रहे हैं। सब
सर वो नहीं रहता। चले ठीक है, बीच में बाकी लोग माइक बंद करिए। अहम महिमा आप लोग का माइक, आप लोग का पिक्चर दिखने लगता है दूसरे बच्चों को, जो बच्चे माइक ऑन रखते हैं उनका फोटो दिखने लगता है दूसरे बच्चों को। अपना माइक सभी लोग बंद रखें। आदर्श वर्मा केवल आप पढ़िए, इसको आगे ऐड करिए। सर वन प्लस फोर इक्वल फाइव, फाइव प्लस टू इक्वल सेवन, सेवन प्लस फोर इक्वल इलेवन। वन प्लस फोर इज इक्वल टू फाइव, फाइव प्लस टू इक्वल टू सेवन, सेवन प्लस फोर इक्वल टू इलेवन। चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। स्वर्णिमा बेटा माइक ऑन करिए। स्वर्णिमा बाकी लोग माइक बंद रखिएगा, अभी बारी बारी से सबको सबसे पूछूंगा बेटा, डोंट वरी। स्वर्णिमा सर टू प्लस फाइव इक्वल टू सेवन, सेवन प्लस फोर इक्वल टू इलेवन। पूरा जल्दी से ऐड करिए, पूरा इंतजार रखिए। वन विल बी कैरी टू द नेक्स्ट प्लेस, थ्री वन प्लस थ्री इक्वल टू फोर, फोर प्लस फोर इक्वल टू एट, एट प्लस फाइव इक्वल टू। क्या होगा, एट में फाइव ऐड कर लीजिए, फाइव यही है, एट नाइन टेन इलेवन ऐसे ऐड करिए। एट प्लस फाइव इक्वल टू थर्टी। हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सौम्या शर्मा सौम्या शर्मा अपना yes, माइक अपना फोन क्यों बेटा आप ऐसे कर लेती हो सीधा, और इंटरव्यू में फोन करिए पहले, आपको दिखता है नहीं कुछ और बोलने लगती हो, तो सीधा जैसे जो पहले नंबर है सीधा जोड़ना, बीच में से नहीं। टू प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव, फाइव प्लस फाइव इज इक्वल टू टेन, टेन का जीरो, वन विल बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट प्लेस। आगे टू प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स, वन गया था तो पहले वन, वन प्लस टू करिए, पहले कैरी ऐड करेंगे। वन प्लस टू, वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री, थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स, सिक्स प्लस फोर इज इक्वल टू सिक्स सेवन एट। जिनका वीडियो बन रहा है मैं अभी उनको बाहर कर रहा हूँ, जिन भी बच्चों का वीडियो बन रहा है मैं अभी सारे बच्चों को बाहर कर रहा हूँ। देवेश भाई आप ऐड करिए। अनुष्का जायसवाल मैं आपसे पूछूंगा नहीं, जिन जो बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं ना उन्हीं से केवल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो बच्चे इधर उधर देख रहे हैं ना उनसे नहीं पूछ रहा हूँ। जो बच्चे क्या बोल रहे हो, क्या ऐड कर रहे हो, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। चलिए ठीक है, अनुष्का जायसवाल, अनुष्का जायसवाल लाइन पे नहीं है अभी प्रॉपर। आदर्श गुप्ता आप ऐड करिए, आदर्श गुप्ता। यस सर। आप ऐड करिए इसको तुरंत। प्लस सर टू प्लस फाइव इक्वल टू सेवन, सेवन सेवन प्लस थ्री इक्वल टू सेवन, सर टेन, टेन के जीरो, वन विल बी कैरी टू द नेक्स्ट प्ले। सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ दिखेगा, फिर बोलिए, अब दिख रहा होगा। सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। दिखेगा बेटा, बाकी लोग माइक बंद रखे। सर सौम्या शर्मा नहीं दिख रहा है। सौम्या शर्मा सर दिखने लगा, फिर दिखने लगा। सर टेन, टेन के जीरो, वन विल बी कैरी टू द नेक्स्ट प्ले। सर वन प्लस वन इक्वल टू टू, टू
प्लस टू इक्वल टू एट। वेरी गुड। अनुष्का जायसवाल आप किसी से बेटा बात कर रही हो? आप इधर उधर देख रही हो, मैं आपको बाहर कर रहा हूँ, आप अपने पापा से बोलना, वो मुझसे बात करेंगे पहले, ठीक है। अनुष्का जायसवाल को बाहर किया गया। अब कौन बचा है? आर्यन मिश्रा बचे हैं। आर्यन मिश्रा बेटा माइक ऑन करिए, बाकी सारे बच्चे माइक बंद रखे, नहीं तो उन्हीं जिन बच्चों का माइक ऑन रहता है उन्हीं बच्चों की फोटो देखने लगती है दूसरे बच्चों। ऐड करिए इसको। आर्यन मिश्रा सर, सर 5 प्लस 3 इक्वल टू 8, सर 8 प्लस 2 इक्वल टू सर 10। आगे 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 ऐड करिए सर, 1 बिग बिग इनके 0 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। आगे 1 प्लस 3 इक्वल टू 10। आप रॉन्ग बोल रहे हो। आदर्श प्रताप सिंह जरा इनको ऐड करके बताइए कैसे ऐड किया जाता है। आर्यन मिश्रा को बताइए। आदर्श प्रताप सिंह प्लस 2 इक्वल टू 10, 10 के 0 1 विल बी कैरी टू द नेक्स्ट प्लेस, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, 5 प्लस 2 इज 0 इज इक्वल टू 7, 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बेटा आप कौन बचा है जिससे मैं नहीं पूछा हूँ अभी तक? सभी से पूछा गया, सारे बच्चों ने आंसर दिया और लगभग बच्चे कर ले जा रहे हैं। अभी जो बच्चे टहल घूम रहे हैं, जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, रौनक पासवान जैसे किए हैं, इधर उधर जो खेल रहे हैं, उन बच्चों को फिलहाल बाहर किया जा रहा है। रौनक पासवान बेटा आप जाके खेलिए खूब बढ़िया से। दो बच्चों को बाहर किया गया, दोनों बच्चों के घर पे भी मैं बाद में बात करूंगा, क्लास के बाद बाहर करके आपके घर वालों से बात करूंगा। दिव्यांशु आप बच्चे थे, आप एक बार ऐड कर दीजिए जल्दी से। जीरो प्लस 5 इक्वल टू 5, 5 प्लस 5 इक्वल टू 10, 10 के 0 1 विल मी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट प्लेस, 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7, 7 प्लस 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10, 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। ओके गुड 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 वेरी गुड। सही है। आरोही पाल बेटा अपना वीडियो ऑन करिए। तो बेटा एक चीज तो कंफर्म हो गया कि ऑल द स्टूडेंट्स आर एबल टू रीड द एडिशन स्टेटमेंट और उसको ऐड करना भी जानते हैं। आप लोग होमवर्क भेजते हैं तो आप सही सही रहता है, उससे तो क्लियर ही था कि हाँ आप लोग ऐड तो कर लेते हैं। बट आज के डेट में पिछले एक दो बार जो भी एक्सरसाइजेस जो भी क्लास आपकी हुई उसमें आप सभी ने जिस तरीके से ऐड किया प्रॉपरली बोल भी ले जा रहे हैं, और आने वाले समय में आप ऐसे ही बोलते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी और आप बहुत अच्छे तरीके से ऐड भी करने लगेंगे। कुछ बच्चे हैं जो बराबर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो उनको थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, बट बाकी बच्चे लगभग आराम से बोलने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात। तो व्हाट यू हैव टू, व्हाट इज द नेक्स्ट, नेक्स्ट इज द वर्ड प्रॉब्लम। अभी आपको ऐसे बोला जाए ऐड करने के लिए 15 प्लस 10, आप इसको तुरंत ऐड कर लेंगे 25। लेकिन जब आपको ऐसे दिया जाए तो डायरेक्टली आप नंबर्स में लिख देते हैं आंसर। बात जब आती है प्रॉब्लम की, वर्ड प्रॉब्लम की आती है तो वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं बताया गया था कि नहीं आपको? कभी वर्ड प्रॉब्लम बताया गया था क्या? वर्ड प्रॉब्लम का पहला पहले आपको पता है ना कुछ रूल्स हैं वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के, कुछ रूल्स हैं। पहला रूल क्या है कौन बताएगा? व्हाट इज द फर्स्ट रूल? रीड ऑल सेंटेंसेस
carefully. Read all sentences carefully. Okay? Read all sentences. Sentences मतलब समझते हैं ना? आपको जितनी लाइन बोली जाए सारी लाइन आपको ध्यान से सुनना है, पढ़ना है. Read all the sentences carefully. Read all sentences. Read all the sentences carefully. दूसरा रूल क्या है? Try to understand. Understand. Understand में सुधा समझना क्या होता है? समझना. Try to understand the meaning of sentences. Okay? Yes, sir. सर समझना. समझने के बाद समझना. वो उसका हिंदी समझ में आने लगे थोड़ा बहुत, उसके बाद क्या करना है? You have to identify that sentence. Identify that कि whether information है या suggestion है. Information identify, क्या identify करना है कि क्या वह information है या question है. आपको जब सबसे पहले आपको सारे सेंटेंस केयरफुली यानी बहुत ही ध्यान से पढ़ना है. ओके? यस सर. पढ़ने के बाद एक बार दो बार पढ़ेंगे एक एक लाइन तो प्रॉपरली आपको समझ में आने लगेगा, उसकी मीनिंग समझ में आने लगेगी. जिस वर्ड की हिंदी मीनिंग आपको ना पता हो उस सेंटेंस पढ़ेंगे तो दो बार तीन बार पढ़ेंगे तो समझ में आने का प्रयास समझ आ सकता है. ना पता हो तो किसी से आप पूछ सकते हैं उसकी मीनिंग. ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस का मीनिंग समझने का प्रयास करिए आखिर क्या हो सकता है, क्या कहना चाह रहा है. और जब इतना करेंगे देन यू विल हैव टू आइडेंटिफाई. आपको यह पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है. आइडेंटिफाई क्या होता है? पहचानना है. क्या पहचानना है? जो आपके लाइन में जो आपके जो आपके सेंटेंस में दिया है क्या वो कोई इन्फॉर्मेशन है या क्वेश्चन है? नो सर. वो इन्फॉर्मेशन होगा तो इन्फॉर्मेशन सारे नोट डाउन करने हैं, फिर जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना है. तो इन्फॉर्मेशन मीन्स क्या होता है? इन्फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट दिया है, कोई बात बताई गई है, कोई सूचना दिया गया है. जो आप लाइन पढ़ेंगे अगर मान लीजिए ऐसा लाइन लिखा है राम हैड फाइव बुक्स, एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा मैंने राम हैज फाइव बुक्स. अब बताइए इसमें कुछ पूछ रहा है या बताया जा रहा है? सर पूछ रहा है. क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है. क्या पूछा जा रहा है? राम हैज फाइव बुक्स. क्या रहा है? क्या है सर उसका हिंदी? उसका हिंदी हिंदी सर राम के पास सुनिए सुनिए बेटा सुनिए, ऐसा कुछ भी नहीं है. हिंदी नहीं बताना आप सभी को, आप सभी को केवल समझना है. तो देखिए राम हैज फाइव बुक्स, राम हैज फाइव बुक्स को समझिए. इसका मतलब क्या होता है? राम के पास फाइव बुक्स है, राम पास किताबें हैं. तो अगर ये आपको बताया जा रहा है कि राम के पास राम के पास किताबें हैं. अब शांत से सुनिए.
अगर ये आपको ये बताया जाए कि राम के पास फाइव बुक्स है, तो ये आपको कुछ बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है? सर समझाया जा रहा है, राम के पास फाइव किताब है, फाइव बुक है, यही तो बताया जा रहा है ना? Yes, अगर ऐसा पूछा गया होता हाउ मेनी बुक्स राम हैज, क्या होता? अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस अगर मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने हाउ मेनी बुक्स राम हैज, हाउ मेनी मीन्स क्या होता है सर? ढेर सारे कितने सारी किताब है? ध्यान से सुनिए, कितने सारे बुक्स डज राम हैव? कितने सारी किताबें राम के पास है? कितने सारी किताबें राम के पास है? आपसे बेटा मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, पहले जो पूछो उतना बताया करिए। मैं ये बता रहा हूँ कि ये लाइन का मतलब हुआ कितने सारी किताबें राम के पास है। तो ये लाइन अगर कोई आपके सामने पूछे तो क्या आपको कुछ बता रहा है या पूछा जा रहा है आपसे? बताया जा रहा है बेटा, बताने का तो है ना, उसने जब उसने बोला था राम है फाइव बुक्स, तो उसमें बताने का था कि हाँ राम के पास पूछा जा रहा है, बताया जाए तो आप उसमें बोलते हैं यस, पूछा जा रहा। लेकिन जब मैं पूछो हाउ मेनी बुक्स राम है, तो आप इसका आंसर देते हैं कि कितनी सारी किताबें आपके पास है, तो आप बोलोगे फाइव टेन, जो भी आंसर होगा आपके पास। यहाँ पे पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है। आपका समय बहुत कम है, आपका सेशन एंड होने वाला है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सबसे पहले इसी वर्ड प्रॉब्लम को ही समझाने का प्रयास करूंगा। आप सभी लोग अच्छे बच्चों की तरह मेहनत से पढ़िएगा, एक बार स्वयं भी सारे अदर सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश के वर्ड या बुक्स जो भी है वर्ड मीनिंग वगैरह लर्न करते रहिएगा, तभी वर्ड प्रॉब्लम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आपको प्रॉब्लम समझना है, सीखना है, ओके? तो आज के लिए इतना ही, आपका सेशन जस्ट क्लोज होने वाला है। क्लास में मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम में के बारे में डिटेल से समझाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, और आप 3-4 दिन लगेंगे, आप लोग वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करना जान जाएंगे, ओके? यस सर। गुड बाय एवरीवन। यस सर। गुड बाय। गुड बाय। Bye. Bye. Bye.